हो गया अभी, अब सही से रिकॉर्डिंग। हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो जी सर। यस सर, आ रहा है। 20 मिनट लेट हो। कौन से? नेटवर्क का प्रॉब्लम। नहीं अभी फिर। ठीक है ठीक है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नोटिस सेक्शन वेयर वी विल बी स्टडिंग अबाउट लाइक नोटिस। ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले लाइक लोकेशंस का लोकेशन जो ना लाइक वी विल सी। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सो लाइक दिस इज द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये आपका 20 डिग्री नॉर्थ एंड 29 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लेटिट्यूड, 89 डिग्री 46 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लाइक सिचुएटेड है। एंड लाइक नॉर्थ ईस्ट इज कैटेगराइज्ड इनटू 7 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर्स। सो लाइक दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। लाइक ये बहुत सारा ना है, जैसे LDC UDC में सब बहुत क्वेश्चन आता है। ओके, 7 सिस्टर्स का अंदर कौन कौन सा है एंड 1 ब्रदर्स कौन सा है। ओके, सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज। 7 सिस्टर्स में आपका जो आता है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड योर मेघालय इज योर 7 सिस्टर्स। एंड आपका जो ये सिक्किम क्या है, 1 ब्रदर। ओके, एंड दिस आपका जो मेनलैंड इंडिया है ना, तो लाइक उससे आपका जो कनेक्शन जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोला जाता है। ओके, दिस इज लाइक थोड़ा सा ऐसा चिकन का जो नेक होता है ना, उसका पोर्शन टाइप का है ना, तो इसलिए इसको चिकन नेक कॉरिडोर बोला जाता है, विच इज योर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इन वेस्ट बंगाल। अगर यहाँ बंद कर दिया जाए तो कनेक्शन टूट जाएगा, दिस दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक उसमें से ना लाइक ऑल योर लाइक स्टेट्स वेर एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश, बट एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल प्रदेश में भी रूल किया था बट एनेक्स्ड बोल के एग्जैक्टली नहीं किया था. इट्स मेनली बिकॉज उसका हम लोग का क्या यहाँ का एरिया जो बहुत रफ टेरेन है ना, मतलब बहुत पहाड़ पहाड़ इलाका होके एंड लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लाइक रफ टेरेन होके, दैट्स वाई ब्रिटिश वॉज रूलिंग बट नॉट एग्जैक्टली लाइक वो एनेक्स किया था, बट रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो उसको एनेक्स किया गया था. ओके एंड देयर इज अ लाइक इनर लाइन रेगुलेशंस करके ना, एंड ये जो इज मेनली फॉर द इंडियन सिटीजनशिप जो विद इन इंडिया का अंदर पर है उन लोगों के लिए ये इनर लाइन रेगुलेशंस जो दिया जाता है, जिसमें उन लोगों को यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नहीं आने से पहले इन लोगों को इनर लाइन एक ना डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ते हैं. ओके तभी इन लोगों को अलाउ किया जाता है अंदर पर आने के लिए. और इसको जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 भी बोला जाता है, इनर लाइन रेगुलेशन. ओके ये वाला बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन क्यों बोला जाता है, ये हम अरुणाचल सेक्शन में पड़ेगा तो आपको पता चल जाएगा. ओके तो अरुणाचल प्रदेश का जो ना आई थिंक दो दिन ऐसा लग सकता है क्लास के लिए, क्योंकि बहुत सारा है तो इसलिए वहां पर हम लोग पड़ेगा दो या तीन दिन लग सकते हैं. उसमें आपका बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशंस क्यों बोला जाता है, इनर लाइन रेगुलेशंस को वी विल स्टडी देयर. ओके सो फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए ना, ये वाला इम्पोर्टेंट होता है कि लाइक इनर लाइन रेगुलेशंस जो अभी कौन कौन सा स्टेट्स में इनर लाइन रेगुलेशंस है, तो उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश तो है ही है, साथ में आपका नागालैंड मिजोरम और मणिपुर को भी अभी इनर लाइन रेगुलेशंस का दे दिया. ओके पहले सिर्फ आपका अरुणाचल प्रदेश नागालैंड एंड मिजोरम था, लेकिन अभी फिर मणिपुर को भी इंक्लूड किया गया. ओके इनर लाइन रेगुलेशन पर एंड जैसे कि आपका जो इंडियन पीपल के लिए जो ये आपका इनर लाइन रेगुलेशन है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर फॉरेनर्स आएगा तो आउट ऑफ इंडिया तो उनके लिए क्या होता है. That is your protected area permit. वो भी एक document बनाना पड़ता है जो protected area permit ना, ताकि कोई भी foreigners जो आने से पहले उसको दिखाना पड़ता है कि वो कहाँ से belong करते हैं ना. ओके such that ये सब क्यों है, inner line regulation and protected area permit, such that like हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश है जहाँ जहाँ पर रेगुलेशन किया गया है ना, तो हम लोग का यहाँ पर क्या है कि लाइक वो लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकने के लिए. ओके एंड ये जो आपका ना नोटिस को जो ना एपिटन ऑफ इंडिया बोल के भी कहा जाता है, विच मीन्स लाइक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. ऐसा क्यों बोला जाता है बोलने से, आपका जो इंडिया में जिस तरह से डाइवर्सिटी है ना, आपका कल्चर ट्रेडिशंस लाइक लैंग्वेजेस, तो बहुत डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पीपल्स एंड लाइक उसका डिफरेंट कल्चर्स क्लोथ्स ऑर्नामेंट्स आपको जैसे इंडिया में आपको देखने को मिले, इसी प्रकार जो नॉर्थ ईस्ट में आपको ऐसे देखेगा कि जैसे विद इन अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो आप देख सकते हैं ना, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट ड्रेसेस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स है, डिफरेंट उसका लैंग्वेजेस होता है, डिफरेंट क्यूजिन होता है ना, तो उसी प्रकार इंडिया में भी तो डिफरेंट होता है तो ना, तो उसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट को ऐसे जस्ट रिगार्ड किया गया कि एपिटोन ऑफ इंडिया, which means perfect example of your India. So you're like northeast area na, like a northeast area. So your northeast area ka jo kitna distance hai, like kitna kilometer hai, it's your 2,62,179 kilometer square. Okay, that is your 2,62,179 kilometer square. Which is your kitna percentage of like India ka total geographical area hai, isko yaad rakho ha, 7.9% of total geographical India area of India, and that is your 2,62,179 kilometer square, 7.9%. और यहाँ नॉर्थ ईस्ट एरिया में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपको लाइक शेड्यूल ट्राइब्स दो कैटेगराइज में देखने को मिलेगा, शेड्यूल ट्राइब्स. ओके एसटी जो दैट इज योर, एक जो आपका हिली एरिया ट्राइबल पीपल एंड प्लेन एरिया ट्राइबल पीपल. हिली एरिया ट्राइबल पीपल मतलब जो हिली एरियाज माउंटेन्स ऐसा में रहता है ना, एंड प्लेन एरिया ट्राइबल पीपल मतलब मेनली जो आपका ब्रह्मपुत्र का जो प्लेन एरिया ना नीचे जो प्लेन एरिया पर, जो प्लेन एरिया पर ट्राइबल्स पीपल रहता है उसको शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ योर प्लेन एरिया ट्राइबल पीपल बोला जाता है. एंड आपको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आपका डिक्लेयर किया ना, होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पूरा एक्सेप्ट आसाम, आसाम को छोड़ के पूरा जो नॉर्थ ईस्ट है ना उसको बैकवर्ड रीजन बोला जाता है. ओके एक्सेप्ट आसाम एंड रीजन जो आपका जो वेरीज करता है 100 to 4000 मीटर एंड अबव.
ओके इससे ज्यादा भी होता है रीजन जो 100 से स्टार्ट होके फिर आपका जो 4000 मीटर फिर जैसे कि लाइक 7000 ऐसा ना. एंड जैसे कि एग्रीकल्चर वर्कर एग्रीकल्चर वर्कर्स ना जैसे आपका जो लाइक 54.40% त्रिपुरा में और 78.48% आपका जो विच इज ऑलमोस्ट इक्वलाइज टू लाइक आपका 80% ना अरुणाचल प्रदेश में ओके एंड त्रिपुरा में 54.40% और बाकी का तो नहीं दिया उसमें भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है लेकिन मेन जो आपका अरुणाचल प्रदेश को आपको याद रखना है. ओके रिलीजन ना वहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया का जो रिलीजन है उसमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसको कौन माना जाता है. ओके जैसे आपका जो 80% क्रिश्चियनिटी जो ना सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी जो आपका नागालैंड मिजोरम एंड मेघालय में है उसमें ज्यादातर मैक्सिमम पीपल आपको क्रिश्चियन ही देखने को मिलेगा. ओके एंड जैसे कि नागालैंड में भी क्या होता है कि ना ऑल्दो वो लोग क्रिश्चियन रहता है लेकिन उस लोग का अपना एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है अपना ट्रेडिशन एंड कल्चर को भी वो लोग नहीं भूलते. ओके सो लाइक एवरी ईयर लाइक उसका एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है जिसमें सब लोग मिलके हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में. ओके एंड बिसाइड्स वो क्रिश्चियन भी फॉलो करते हैं अपना ट्रेडिशन एंड कल्चर को भी लाइक फॉलो करते हैं नागालैंड में. एंड अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या देखने अरुणाचल प्रदेश का हम ये अरुणाचल सेक्शन में और अच्छा से पड़ेगा. यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आपका क्या है पहले जो क्या था कि आपका हिंदू था ना अरुणाचल प्रदेश में लेकिन अभी क्या है कि अभी क्रिश्चियन जो ज्यादा हो गया 2011 सेंसस का अकॉर्डिंग से ना क्रिश्चियन जो 1% ज्यादा आपका हिंदू का कंपेयर में अरुणाचल प्रदेश में अभी पीपल को देखने को मिलेगा कि क्रिश्चियनिटी ज्यादा फॉलो किया जाता है. एंड मणिपुर में मणिपुर यू विल सी कि लाइक आपका जस्ट 0.1% ज्यादा आपका हिंदू है ना एंड ऑलमोस्ट लाइक उसमें हिंदू एंड क्रिश्चियन ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन हिंदू ज्यादा फॉलो किया जाता है मणिपुर में. ओके और फिर ये आसाम में ना आसाम में तो आपका मैक्सिमम आपका हिंदू है त्रिपुरा में भी आपका मैक्सिमम हिंदू है एंड सिक्किम में भी आपका ज्यादातर हिंदू है. उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट क्रॉप्स में जैसे कि लाइक आपको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी देखने को मिलेगा साइट्रस बनाना पाइनएप्पल पीच प्लम पियर्स एप्पल एप्रिकॉट वॉलनट और जैसे कि स्पेशल क्रॉप्स आपका जो जिंजर टर्मेरिक ब्लैक पेपर कार्डमन सिनेमन लार्ज कार्डमन याम तपियोगा स्वीट पोटेटो मिर्च ये सब आपको देखने को मिलेगा. ओके इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बाद में अलग से नोट्स में दे दिया जाएगा. एंड आपका जो ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स है ना प्लांटेशन क्रॉप्स में जो आपका टी कॉफी रबर भी इवन मिलता है. ओके सो यू विल गेट दिस लाइक कहाँ कहाँ पर स्टेट पर क्या क्या मिलते हैं गेट द अनदर नोट्स एक मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए. मेडिकल मेडिसिनल एरोमेटिक एंड इंसेक्टिसाइड यील्डिंग प्लांट्स जो ना जो लाइक जैसे कि कोप्टिस टीटा ये सब लाइक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. ओके एंड इसका मतलब एग्जैक्टली ये क्या प्रॉपर्टी काम करते वो आइडिया नहीं है लेकिन लाइक कोप्टिस टीटा एक मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट है. जैसे आपका लेमन ग्रास हो गया फिर पायरेथ्रम स्पेसी जो इंसेक्टिसाइड यील्डिंग प्लांट है. ओके एंड आपका जो ना जो लैंड होता है ना लैंड जो आपका क्लासिफाइड होता है अनकल्टिवेबल लैंड जो कि बैरन लैंड होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है तो उसको हम अनकल्टिवेबल लैंड बोला जाता है उसको. ओके एंड दूसरा जो आपका कल्टिवेबल लैंड जिसमें आपको लैंड को कल्टिवेट करके आप एग्रीकल्चर लाइक प्रैक्टिस कर सकते हैं ना उसको कल्टिवेबल लैंड बोला जाता है. सो ये दोनों को हम लोग इतना डिस्कस नहीं करेगा. मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर फॉरेस्ट का बारे में. ओके लैंड अंडर फॉरेस्ट जो कि लाइक फॉरेस्ट से कवर है ना तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता ही है दैट्स व्हाई लाइक यू कैन नॉट इग्नोर दिस पार्ट. ओके सो लाइक फॉरेस्ट कवर जो फॉरेस्ट ना आर्ट में जो फॉरेस्ट कवर होता है ना ये विद इन पूरा आर्ट में जो एज कम्पेयर टू योर लैंड एंड वाटर आपका जो कवर करता है जो 30% जो आपका जो फॉरेस्ट कवर किया जाता है उसमें जो आपका विथ इन द आर्ट जो सबसे ज्यादा कंट्री कौन सा जगह में फॉरेस्ट कवर है बोले से आपका जो रशिया में 20% आपका जो रशिया जो डायरेक्ट टॉप करता है हाँ टॉप पोजिशन में जिसमें वो फॉरेस्ट कवर मैक्सिमम से मैक्सिमम किया जाता है वो जगह पर रशिया पर. एंड इंडिया अगर इंडिया का पूछते हैं तो आपका जो ये फॉरेस्ट कवर अगर पूरा अर्थ में गिना जाता है तो वो जो आपका 2% होता है 2% जो आपका फॉरेस्ट कवर किया जाता है विथ इन द अर्थ.
एंड ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया ना, तो ये जो आपका वर्ल्ड में 10th पोजीशन पर आता है, ओके, इंडिया जो 10th पोजीशन पर आता है. उसके बाद लाइक जैसे कि आपका टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ना, उसमें से आपका टोटल फॉरेस्ट, सिर्फ फॉरेस्ट, सिर्फ फॉरेस्ट को कवर करने ला आपको देखिएगा तो कितना परसेंट होता है, 21.67% ना. और ट्री कवर जैसे एक दो तो ट्री का में भी रह जाएगा तो उसका कवर जो आपका 2.89%, ये इंडिया का बारे में बता रहे हो क्या. एंड उसमें से आपका जो 24.56% है, हाँ, इंडिया में टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो 24.56% है, एंड दैट इज योर 8,07,276 km² ना, 8,07,276 km² जो आपका टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है. बट योर सिर्फ अगर टोटल फॉरेस्ट कवर को सिर्फ गिना जाता है ट्री कवर को इग्नोर करके, देन यू विल फाइंड की 21.6% है, एंड देट इज योर 7,12,249 km², विच इज ओनली योर टोटल फॉरेस्ट कवर. लेकिन अगर ट्री को इंक्लूड किया जाता है तो आपका 24.56% ऑफ इंडिया होते हैं. और जैसे लाइक टोटल फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ना विथ इन इट्स जोग्राफिकल एरिया, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट पार्ट को जब देखते हैं तो उसमें आपका जो ज्यादातर आपका आउट ऑफ 100% ओनली नॉर्थ ईस्ट एरिया, हाँ, और नॉर्थ ईस्ट एरिया में 63.06% जो आपका जोग्राफिकल एरिया जो आपको फॉरेस्ट से कवर है. ओके, तो जैसे कि आपका ना क्वेश्चन जो ना ये सब आता है, हाँ, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया जो कौन सा है सबसे पहले इंडिया में. ओके, व्हेन यू सी द इंडिया यू विल फाइंड दैट मध्य प्रदेश जो आपका सबसे फास्ट पोजीशन में आता है, एंड सेकेंड इज योर अरुणाचल प्रदेश, थर्ड इज योर छत्तीसगढ़, फोर्थ इज योर ओडिशा, एंड फिफ्थ इज योर महाराष्ट्र. टॉप फाइव ना, टॉप फाइव है तो हो जाएगा उसको, और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने से हो जाएगा. टॉप फाइव में से सबसे पहले क्या है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र. जैसे कि आपका सेकेंड पोजिशन है ना, तो ये तो आपका फॉरेस्ट कवर का, टोटल फॉरेस्ट कवर का बारे में. ओके, फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में अरुणाचल प्रदेश कौन सा पोजिशन पर आता है, विल चेक आउट. तो सबसे पहले लाइक यू हैव टू नो कि लाइक परसेंटेज ऑफ टोटल टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब क्या होता है, बिकॉज लाइक टोटल फॉरेस्ट कवर बोल के हम तो आगे बता दिया ना, फिर ये दोनों में कंफ्यूजन रहते हैं मैक्सिमम लोगों को. सो फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब ये है कि लाइक विथ इन अरुणाचल प्रदेश, पहले तो क्या था, विथ इन ऑल ऑफ द इंडिया ना, तो विथ इन अरुणाचल प्रदेश, विथ इन अरुणाचल प्रदेश में जो मतलब कितना परसेंटेज जो आपका फॉरेस्ट कवर है, मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन है. ओके, विच मीन्स तो ये जो आपका फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ये जो आपका विथ इन स्टेट का अंदर में कितना कवर करता है, वो इसका मतलब ये होता है. तो उसमें नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्थ ईस्ट एरिया का ही आपका परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो ज्यादा है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका मिजोरम, बाद में क्या कहते हैं मध्य प्रदेश दे दिया, मिजोरम दे दिया ना, टोटल फॉरेस्ट कवर करके दे दिया, तो आप गलती से मिजोरम को मत डिक्राइब कर देना. हाँ, अगर परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अगर पूछा जाता है ना, फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तब मतलब कि मिजोरम को आप डिक्राइब कीजिए. ओके, तो सबसे पहले जो आपका मिजोरम आते हैं, और अरुणाचल प्रदेश को तो आई होप सो आप लोग नहीं भूलेगा, बिकॉज ये सेकेंड पोजिशन में ना, कहीं में भी याद भी ना हो तो सेकेंड पोजिशन वाला को अगर आप डिक्राइब कर देते तो अरुणाचल प्रदेश तो सही हो जाएगा. तो मिजोरम आपका सबसे पहले है जो 85.41%, अरुणाचल प्रदेश जो क्या है 79.63%, मेघालय जो आपका 76.33% है, एंड उसके बाद आपका क्या है मणिपुर जो 75.46%, नागालैंड जो आपका 75.31%. एंड स्टेट शेयरिंग लॉस इन फॉरेस्ट कवर, जो आपका जो फॉरेस्ट कवर जो लॉस होते जा रहे हैं ना, तो उसमें जो सबसे पहले कौन सा स्टेट जो आता है ये पूछ रहे हैं, तो ये आपका जो मणिपुर विथ इन इंडिया. ओके, विथ इन इंडिया, तो आपका सबसे पहले मणिपुर में मतलब फॉरेस्ट कवर जो आपका लॉस होते जा रहे हैं. ओके, एंड सेकेंड इज योर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद थर्ड में आपका मिजोरम आता है, उसके बाद आपका जो लाइक जो नागालैंड है ना, तो एक एक करके वो स्टेट वाइज डिस्कस करेगा अभी.
उसमें सबसे पहले नागालैंड को देखते हैं. ओके, नागालैंड इज नोन एज द स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट ना, जो लाइक स्विट्जरलैंड एक जगह का नाम है, तो लाइक नागालैंड भी एक सुंदर जगह है. तो लाइक ऐसे जस्ट तुलना किया हुआ है. ओके, एंड लाइक एरिया जो आपका नागालैंड का 16,579 किलोमीटर स्क्वायर है, एंड कैपिटल इज योर कोहिमा. उसके बाद आपका ना ये स्टेट फ्लावर्स, ये जो ना ज्यादातर आपका अरुणाचल प्रदेश को लेके आते हैं. ओके, अरुणाचल प्रदेश को लेके आपका क्वेश्चन जो पूछेगा ना कि लाइक जैसे लाइक स्टेट एनिमल ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो बोस फ्रंटलिस है, तो ये कौन सा स्टेट का साथ में सेम है, ऐसा क्वेश्चन आता है. हाँ, या तो ऐसा आएगा कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ एनिमल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश करके आएगा. हाँ, लेकिन ये जो आप ऐसे देख लीजिए, आपको भले ही याद ना हो ना, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश से जो लिंक है जो भी स्टेट, उसको जैसे भी याद रखना, एंड अरुणाचल प्रदेश का हर एक को याद रखो. ओके, लेकिन आप जैसे नागालैंड का स्टेट एनिमल को याद ना भी हो तो उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का याद नहीं होगा तो इससे आपका बहुत हैवी लॉस होगा एग्जाम में. स्टेट एनिमल जो आपका नागालैंड का गौर है, इसको बास गौरस कहता है, साइंटिफिक नेम है. ओके, ये सब जो, एंड लाइक बर्ड जो आपका ब्लिट्स ट्रेगोपन, उसका फिर इसको साइंटिफिक नेम है ट्रेगोपन ब्लाइटी. उसका ट्री जो एल्डर है, फ्लावर जो रोडोडेंड्रोन. उसके बाद ये डेट ऑफ फॉर्मेशन, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ फॉर्मेशन जो आपका हर एक स्टेट का, लाइक नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का ये कब फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा टाइप का क्वेश्चन आने का ज्यादा चांसेस होता है, इसलिए ये इसको याद रखना. ओके, सब लोग, 1 दिसंबर 1963 को, ये 1 दिसंबर में वर्ल्ड एड्स डे भी है ना, 1 दिसंबर 1963 को क्या हुआ है आपका जो लाइक नागालैंड जो फॉर्म हुआ है. और फेस्टिवल जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल उन लोग मनाया जाता है. ओके, जिसमें सब लोग उसका अपना अपना लाइक जितना वहां पर ट्राइब्स है ना, सब लोग एक जगह कहीं पर कुछ दिनों के लिए वो लोग होल्ड करते हैं. ओके, एंड वहां पर फेस्टिवल सब लोग साथ में मनाते हैं, एक साथ स्टेट का सब लोग. इसके बाद जैसे पीक जो ना आपका जो जाफू पीक आपको वहां में देखने को मिलेगा. ओके, उसके बाद जैसे लाइक रिवर जो ना, जैसे लाइक आपका धनसिरी, लाइसंग पिक का नियर बाय आपको धनसिरी दिखने को मिलेगा, दोयंग, दिक्कू, मेलाक, छेद, ये सब रिवर्स जो आपका नागालैंड का है. नागालैंड जैसे बाकी स्टेट का आपको रिवर्स इतना याद भी नहीं होने से ना, लेकिन अरुणाचल का याद रखना. हाँ, रिवर्स को जैसे कि नागालैंड का ये धनसिरी को जैसे भी याद रखना. उसके बाद जो आपका बेले, जो दिजुकू बेले करके एक जगह है, उधर जगह चांस मिला तो आप जाना वहां पर, वहां में बहुत सारा लोग ना ट्रेकिंग करने के लिए जाता है. एक मिनट, था ये हैंग मार रहा, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट. ओके एवरीवन, ये हैंग मार रहा है, चार्ज खत्म हो गया क्या. ओह, 0% है, क्या करेगा तब तो. नगर में लाइट नहीं, हाँ इसलिए मैडम, इसलिए कभी सुनाई देते, कभी सुनाई देते. क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया. नहीं, इसलिए कभी सुनाई देते, कभी नहीं सुनाई नहीं देते, इस होते ना कट कट कर रहे हैं. ओ क्या, अच्छा से आप लोगों को सुनाई नहीं पड़ रहा ना लेक्चर जो. हाँ, आवाज जो कट कट क्या रहे ना मैडम. ओ सही से नेटवर्क इश्यू है क्या, इतना का मैं लाइक नहीं किया मालूम नहीं इतने का, ऐसे ही होता हुआ. लाइट तो आ रहा है, लाइट तो है. हाँ, ये जो ना आपका, हाँ किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा था ना फॉरेस्ट कवर को लेके, क्या आप इसका बारे में बात कर रहा था ना, ना आप वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट का बारे में बात कर रहा था, जिसने भी क्वेश्चन पूछा है हमको.
कि लाइक फॉरेस्ट कवर के बारे में आप नहीं पढ़ाएगा कैसा पूछा था ना किसी ने, क्या आपने इसका बारे में बात इसका बारे में आप बोल रहे थे? अलग अलग टाइप से होते थे ना, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते, एवरग्रीन फॉरेस्ट, उससे लेके क्वेश्चन आता है। हाँ? नहीं नहीं क्वेश्चन ना कभी कभी मतलब बहुत सारा फॉरेस्ट होते हैं, तो फॉरेस्ट भी अलग अलग टाइप का होते हैं, तो हम लोग का नोटिस था मतलब जैसे कि ट्रॉपिकल मतलब वो एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब मैक्सिमम कवर करते, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम देखा था ना कि ये हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट का फॉरेस्ट मतलब कौन सा फॉरेस्ट का अंदर ऐसे आते ऐसे कुछ था ना, तो हमें ऑप्शन में मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसके बाद अनरिजर्व फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड ऐसे ऐसे कुछ था ना, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का अंदर आते, लेकिन उसको ऑप्शन में जो ना मतलब क्या था ऐसे कुछ अनक्लासिफाई ऐसे कुछ ना ऐसे ऐसे कंफ्यूज होता था ना। हाँ हाँ ठीक है, आप क्या हमको वो क्वेश्चन आपका अभी मतलब क्वेश्चन होने से आप हमको भेज सकेगा वो क्वेश्चन को मेरा व्हाट्सएप नंबर में? और ठीक है बाद में भेज दीजिएगा मैम। हाँ आप भूल जाते हैं ना, हम उस दिन से बोला आपको भेजने के लिए, ओ बाद में भेज दीजिएगा मैम। हाँ क्योंकि तो थोड़ा हमको आइडिया मिल जाएगा तो ये क्या क्वेश्चन टाइप का पूछ रहा है। हाँ 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 ठीक है आप भेज दीजिए ना। अच्छा मैम मैम हेलो। हाँ वो ये इंडिया का ना सबसे ये हाईएस्ट कवर जो फॉरेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश है ना? हाँ मध्य प्रदेश है। उसके बाद ये नोटिस में ये मिजोरम ना? नहीं अरुणाचल, नोटिस में अरुणाचल प्रदेश है ना। अच्छा मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर, लेकिन ये जो आप जो मिजोरम जो बोल रहे हैं ना वो विथ इन योर स्टेट लाइक विथ इन मिजोरम में ना कितना परसेंटेज टोटल एरिया जो आपका क्या कहते हैं फॉरेस्ट कवर ये है परसेंटेज में मतलब ये मिजोरम हाईएस्ट है? हाँ मिजोरम जैसे कि विथ इन ना विथ इन मिजोरम का अंदर में ना कितना एरिया जो ना लाइक विथ इन मिजोरम आप जो आपका कितना एरिया जो मतलब फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में ऐसा टाइप का, ये जो फॉरेस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब ना विथ इन योर स्टेट ना विथ इन पर्टिकुलर स्टेट। हाँ तो वो जो उसका आपका, लेकिन अगर आपको बोले टोटल फॉरेस्ट कवर जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा कहाँ पर है बोले तो वो अरुणाचल प्रदेश होगा, लेकिन फॉरेस्ट कवर एस परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में वो मिजोरम होगा। अच्छा अच्छा ये इसको आपको डिफरेंस को समझना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में मतलब ये परसेंटेज जो वो होगा आपका मिजोरम होगा ना? हाँ मिजोरम होगा वो विथ इन द मिजोरम स्टेट ना, तो उसमें से ज्यादातर पोर्सन उस लोग का जो फॉरेस्ट कवर में होगा। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब जो वो है कि ना अगर मान लो ना ये क्वेश्चन में मतलब ये क्या ऐसे आया है ना कि नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट परसेंटेज ये फॉरेस्ट कवर करने लो कौन है बोले से तो मिजोरम तो होगा ना? हाँ तब मिजोरम आएगा परसेंटेज ऑफ ये टोटल जो होगा। ठीक है मेरा अभी ये पेन जो चार्ज हो गया ना तो अभी फिर क्या करेगा हम लोग ये इसको पड़ेगा मणिपुर का ना, और नहीं नहीं ये नागालैंड का कंप्लीट नहीं हुआ था ना। नागालैंड नागालैंड में आपका जो ना जैसे कि लाइक नोट नागालैंड का नोट ये जो ना आप लोग घर में जाके मैप देखो। हाँ मैप देख देख के ऐसे देखो नॉर्थ साइड में कौन सा है अरुणाचल प्रदेश है, साउथ में क्या है मणिपुर है, साउथ में मणिपुर है हाँ नागालैंड का, उसके बाद वेस्ट साइड में आसाम, ईस्ट साइड में जो कौन सा है म्यांमार है कंट्री जो टच करता है। यहाँ से भी ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ओके, इसलिए अच्छा से देख लीजिए आप लोग। और जैसे कि लाइक कोहिमा वार सिमेट्री जो आपको नागालैंड में मिलेगा, एंड ये जो सिमेट्री जो आपका जो सोल्जर्स जो जापानीज आर्मी जो ना फोर्ट करते समय को वर्ल्ड वॉर टू में तब वो सिमेट्री बनाया गया था ओके। मणिपुर आपका जेवल ऑफ इंडिया है ओके, जिसका मतलब वो है कि लाइक जैसे कि हिल्स होते हैं तो ना हम आपको साइड से दिया होगा ना कि लाइक कौन सा स्टेट्स को क्या बोला जाता है और क्यों बोला जाता है मिला होगा आप लोगों को, तो उसमें हिल्स जैसे कि नाइन जैसे हिल्स जो ना एंड लाइक यहाँ एक तो वेले है ना नीचे में ऐसे वी शेप का वेले है, तो लाइक एक वो हो जाता है लाइक ये एक ज्वेलरी जैसा ना फॉर्म करते हैं, इसलिए जेवल ऑफ इंडिया बोला जाता है मणिपुर को। और एरिया जो आपको 22,523 किलोमीटर स्क्वायर होगा, एंड कैपिटल जो आपका इम्फाल है। ये कैपिटल लोगों भी सब याद रखो हाँ कैपिटल
और लाइक कब फॉर्मेशन हुआ था. स्टेट एनिमल जो आपका संगाई है जो कि आपको इसको लाइक डेंसिंग डियर भी बोला जाता है. एंड इसका जो साइंटिफिक नेम जो है सर्वस एल्डी एल्डी करके. और बार्ड जो क्यूम्स पेशेंट ओके सेरमटिकस ह्यूमाई. ट्री जो आपका इंडियन महोगनी. टूना सिलियाता. फ्लावर जो सिरोई लिली लिलियम मैकलिनियाई. और डेट ऑफ फॉर्मेशन जो आपका 21 जनवरी 1972 को हुआ है ओके. ये मणिपुर का ना आप देखो. हाँ आगे जाके ये सेम जो आप लोगों को याद हो जाएगा मणिपुर कौन कौन सा था. मणिपुर त्रिपुरा का भी 1972 था और एक मेघालय का तो नहीं था ना. और आगे जाके पढ़ने मिलेगा कौन कौन सा जो 21 जनवरी 1972 को फॉर्म हुआ. तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं. और ये जो आपका फेमस है आपका जैसे लाइक क्योंकि वहां में कृष्णा भगवान इसको ज्यादा पूजा किया जाता है. तो ऐसे क्लासिकल एंड फोक डांसेस आपको मिलेगा. क्लासिकल डांसेस में मिलेगा फोक डांसेस जो फिर ट्राइबल कम्युनिटी भी वहां पर पाया जाता है. तो एंड लाइक फेस्टिवल्स जो आपका लाई हरोबा ये जो ना आपका क्या थे जो नॉर्थ ईस्ट का जो ना फेस्टिवल्स है ना वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ लाइक जैसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया ना. हॉर्नबिल फेस्टिवल हो गया तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. लेकिन एक दो तो मतलब हर एक फेस्टिवल्स को याद रखना जरूरी नहीं है. लेकिन अरुणाचल प्रदेश का हर एक फेस्टिवल्स को आपको पता होना पड़ेगा एंड डांसेस को भी पता होना पड़ेगा ओके. एंड लाइक ये जो आपका एक राइचुअल डांस फेस्टिवल होता है. हाँ ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है वेरी इम्पोर्टेंट. ख्वायरमबंद बाजार करके एक तो है. हाँ ख्वायरमबंद बाजार करके है और इसको इमाम मार्केट का नाम से भी जाना जाता है. ख्वायरमबंद बाजार इमाम मार्केट ये जो एक यूनिक कहते मार्केट है जिसमें आपको जो सेलर्स होते हैं ना शॉपकीपर जो ना आपको ज्यादा पूरा वोमेन है. कोई भी वहां में मेल आपको देखने को नहीं मिलेगा ओके. आप कभी दिन अगर मणिपुर जाते हैं तो एक बार विजिट करके देखना तो यू विल फाइंड दैट वर्ड एंड दैट नेम इज योर फायरमबंद बाजार और इमाम मार्केट. तो ऐसा क्वेश्चन जो ना ऐसा आने का ज्यादा चांसेस होते हैं कि ए यूनिक ऑल वुमेन मार्केट जो ना कौन से स्टेट में पाया जाता है ऐसा करके ना. और वो बाजार का नाम क्या है. उसके बाद क्वांगमपत ऑर्किडेरियम. ऑर्किडेरियम जो आपका लाइक लार्जेस्ट तो आप इंडिया का तो लाइक अरुणाचल प्रदेश में है ना. लेकिन एक ऑर्किडेरियम भी आपका वहां पर पाया जाता है तो वो है क्वांगमपत ऑर्किडेरियम. उसके बाद ये लोकटक लेक ना एंड सेंद्रा आइलैंड करंग आइलैंड ये सब इम्पोर्टेंट है. लोकटक आइलैंड ओके. यहाँ में से ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बोले साहब का मिजोरम जैसे मणिपुर का ना कैपिटल क्या है ना. एंड डेट ऑफ फॉर्मेशन कौन सा है. उसके बाद आपको जैसे ये ख्वायरमबंद बाजार का बारे में एंड लाइक लोकटक लेक सेंद्रा आइलैंड करंग आइलैंड ये सब. हाँ और जैसे लाइक हाँ फेमस गेम ये सब इम्पोर्टेंट है. एंड ये जो लोकटक लेक है ना ये जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओके. एंड जैसे लाइक वोलूर लेक जो आपका इंडिया का है तो ना लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड जो कि आपका ये एक ऐसा लेक है ना जो फ्लोटिंग लेक है इन द सेंस की लाइक ना इसमें जो एक जैसे ये पानी है ना लाइक लेक है. तो यहाँ में ना एक आप जो जैसे कि लोटस फ्लावर का ना वो लीप को देखा होगा ना तो ऐसा होता है ना थोड़ा. तो उसके जैसे ना एक गोल करके थोड़ा एरिया ओके. तो ये एक ना एरिया है. हाँ एरिया यहाँ में जैसे लाइक आपको वो भी देखने को मिलेगा जैसे कि प्लांट ग्रो करके है ये सब ना. तो एक लैंड एक आपको मिलेगा उसको जो पुमडिस बोला जाता है. पुमडिस बोला जाता है ना तो इसलिए इसको जो फ्लोटिंग लेक बोला जाता है. एंड खैबुल लमजाओ नेशनल पार्क ना खैबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी आपको जो लोकटक लेक का अंदर में ही मिलेगा ओके. जो पुमडी से ना वहाँ कहीं पे लोकेटेड है. तो लाइक इसलिए ये जो ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये जो वर्ल्ड में जहाँ में आपको. और ये जो ना ऐसा नेशनल पार्क है. हाँ ये ऐसा नेशनल भी पार्क है जहाँ पर स्टेट एनिमल ना मणिपुर एंडेंजर संगाई जो वहां पर रहता है. के बाद आपका जो खारंग आइलैंड करके भी वहां पर है. हाँ और सेंद्रा आइलैंड जो लोकटक लेक का कहीं मिडिल पर है. सेंद्रा आइलैंड यू विल फाइंड एंड खारंग आइलैंड करके आल्सो देयर इज अ आइलैंड इन मणिपुर लोकटक लेक. एंड
ये जो एक ना ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया बोलने से, ये जो ना सबसे ये जो इंडिया का सबसे फर्स्ट कैशलेस आइलैंड है। कैशलेस आइलैंड का मतलब वो होता है जिसमें आपका जो पेमेंट ना पेमेंट अगर वहां पर कुछ भी आप खरीदते हैं तो उसका अगर कुछ पेमेंट करना होने से वो आप डिजिटली ऑनलाइन किया जा सकते हैं। ओके इसलिए इसको और लाइक वहां में आपको कैश नहीं लेके जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वहां पर आपका ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, तो इसलिए इसको डिजिटली किया जाता है ना, तो इसलिए इसको फर्स्ट कैशलेस आइलैंड बोला गया है खरंग आइलैंड को। उसके बाद फेमस गेम ना, फेमस गेम जैसे कि लाइक जैसे कि देखो बाकी का तो हम स्टेट्स का गेम को हम इतना फोकस नहीं कर रहे ना, ये लाइक मणिपुर का गेम को इसलिए फोकस किया है क्योंकि जैसे लाइक पोलो गेम जैसे लाइक हॉकी और फिर लाइक रग्बी ये सब तो ये पोलो रग्बी ये लाइक आउट कंट्री ना इंटरनेशनल भी खेला जाता है तो ना, तो ये सब मतलब यहाँ अर्ना ये विथ इन द नॉर्थ ईस्ट भी कहीं पर मतलब खेला जाता है। तो ऐसा कहने का है कि लाइक ये जो पोलो गेम जो ना ओरिजिनेट जो आपका जो मणिपुर से हुआ था ऐसे मतलब लोगों का कहना है। ओके ये जो इसको जो ना पोलो गेम को जो उन लोगों का लाइक इंडियन डायलेक्ट्स ना दे कॉल दिस एज द सगोल कांगजी। ओके एंड मणिपुरी हॉकी जो खेला जाता है ना उसको खोंग कांगजी बोला जाता है एंड रग्बी ये गेम जो आपका यूवी लखपी हम ये पोलो रग्बी लुक क्या क्या कैसे गेम खेलता था आई फॉरगॉट। ओके मुखना मणिपुरी आपका जो रेसलिंग को बोला जाता है मुखना मणिपुरी। उसके बाद खांग करके एक इंडोर गेम होता है एंड लाइक बोथ रेस भी आपका वहां पर होते हैं। एंड ये जो सिंगडा दाम करके क्या हाँ ये जो हाईएस्ट मद दाम जो दाम जो आपका मद से बनाया है ना सैंड एंड सील्ड कंबाइंड होते हैं मद में तो उससे आपका जो एक दाम जो बनाया जाता है तो सबसे हाईएस्ट दाम जो आपका ये जो आपका मणिपुर पर पाया जाता है ऑफ द वर्ल्ड का हाईएस्ट मद दाम। ओके तो लाइक कंफ्यूज मत होना हाँ दैम को लेके हाईएस्ट मद दाम इन द वर्ल्ड तो जिसमें आपका 490 मीटर लेंथ जो आपका होगा हाइट जो आपका 60 मीटर हाइट ना हाइट जो आपका 60 मीटर ऐसे अराउंड है लेकिन ये आपका मड डैम को लेके बोल रहा है। और जैसे मणिपुर का ना अभी देखो मणिपुर का आपका जैसे ये मणिपुर हो गया ना तो ईस्ट साइड में क्या है आपका म्यांमार है, नॉर्थ साइड में आपका नागालैंड है, उसके बाद वेस्ट साइड में आपका आसाम है ना आसाम है एंड साउथ में आपका मिजोरम। तो इसको याद रखना मणिपुर का क्या है नॉर्थ साइड में आपका नागालैंड है, ईस्ट साइड में आपका म्यांमार, वेस्ट साइड में आसाम, साउथ साइड में मिजोरम। और रिवर्स लाइक ना आपको बरक ये बरक रिवर जो आपका मणिपुर में ओरिजिनेट होता है। ओके एंड ये जो आपका लाइकोट हिल्स ऑफ सेनापति डिस्ट्रिक्ट उसमें उसका नियर बाई आपका ये भारक रिवर जो ओरिजिनेट होता है एंड दिस इम्फाल ना इम्फाल इसका जो कैपिटल है इम्फाल भी एक रिवर्स का नाम है आयरिल नंबुल टूबाई ऐसा करके नाम है। ओके तो इतना आपको रिवर्स को भी इतना याद रहना तो जरूरी नहीं लेकिन ये भारक रिवर इसको याद अच्छे से रखिए। ओके तो ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है भारत रिवर्स का को लेके आ जाते हैं क्वेश्चन ना और बाकी तो आप जस्ट ऐसे देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज योर आपका मिजोरम को आपको जो लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स बोला जाता है ऐसा कुछ वो नहीं है लेकिन जब ऐसा है कि लगे जो माउंटेन है ना माउंटेन के सामने से कुछ पानी वानी है ना तो यहाँ पर जब आप ऐसे जब देखते हैं ना माउंटेन को या जैसे कि यहाँ ऊपर से तो कहीं से देखते हैं तो ये जो ना थोड़ा सा ये माउंटेन जो ना ब्लू कलर का अपीयर करते हैं इसको लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स बोला जाता है। एंड द एरिया जो आपका 21,087 किलोमीटर स्क्वायर है, कैपिटल जो आपका आइजोल है, स्टेट एनिमल्स जो आपके हिमालयन शेर और साजा, बर्ड्स जो मिस होमिस पेशेंट सेरमतिकस होमियाई। हाँ नीलगिरी माउंटेन को भी ब्लू माउंटेन बोलते हैं ना। कौन सा माउंटेन को? नीलगिरी हिल्स को। हाँ मैम नीलगिरी हिल्स को ना ब्लू माउंटेन उसको ना हमको आइडिया नहीं है चेक करना पड़ेगा हमको ना हमको आइडिया नहीं है। ओके लेकिन ना ब्लू माउंटेन जो ना उसको भी बोलते हैं नीला चला हिल एक तो जो आसाम में है ना उसको भी बोला जाता है जामे कामाख्या ये टेम्पल है ना। हाँ हाँ तो ये जो आपका ना ट्री जो आपका
आयरन वुड मेसवा फेराई फ्लावर जो आपका रेड बांडा एंड स्टेटहुड डे जो आपका 20 फरवरी 19 इसको तो पता होता होगा 20 फरवरी 1987 हाँ ये जो अरुणाचल प्रदेश का भी तो स्टेटहुड डे है ना ये जो तो विच मीन्स आपका मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश का सेम स्टेटहुड डे तो जैसे अरुणाचल प्रदेश का सेम स्टेटहुड डे कौन सा स्टेट का बोलने से वो क्या है मिजोरम पीक जो ना पीक जो आपका पंगुई पीक है जो कि आपका हाईएस्ट पीक है मतलब कहाँ पर मिजोरम में हाईएस्ट पीक इन मिजोरम जो है पंगुई पीक उसको जो आपको जो ब्लू माउंटेन बोला था ना हमने तो उसको पंगुई पीक भी बोलते हैं एंड ये जो आपका 2000 मैम स्लाइड नहीं हो रहा तो आपका क्या ये स्क्रीन डाउन नहीं आ रहा है क्या हाँ क्या बोल क्या और अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन हाँ डाउन नहीं आ रहा तो डाउन तो नहीं किया था हम अभी दिखाई पड़ रहा है मिजोरम तक दिखाई दे रहा है मतलब ये जो बर्ड्स तक है ना वहां तक दिखाई दे रहा है और उसके बाद दिखाई नहीं दे रहा है हम नेक्स्ट स्लाइड चेंज हां हम नेक्स्ट स्लाइड चेंज किया था अभी अभी आ रहा है अभी आ रहा है अभी ओके ठीक है जैसे लाइक ना एक तो पीक है हाँ ब्लू माउंटेन जो लाइक व्हाट आई टोल्ड यू बिफोर तो ये जो आपका जो एक ये ब्लू माउंटेन में ही आपका एक तो पीक है ओके दैट इज योर पंगपुई पीक तो ये जो हाईएस्ट पीक है विद इन द मिजोरम दैट इज योर 2360 मीटर एंड दिस इज लोकेटेड नियर द इंडो म्यांमार बॉर्डर इंडो म्यांमार बॉर्डर का मिडिल कहीं पर आपको जो ये पंगपुई पीक आपको देखने को मिलेगा एंड दिस पंगपुई पीक जो ना उसके वहां विद इन ना ये पंगुई पीक जो विथिन एक पंगुई नेशनल पार्क करके है हाँ उसमें आपको पंगुई पीक देखने को मिलेगा और लाइक हाईएस्ट वाटरफॉल ये जो सिर्फ आपका मिजोरम स्टेट को लेके बोल रहे हैं हाँ इंडिया को कंपेयर नहीं कर रहा है हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन मिजोरम जो बन तवांग वाटरफॉल और जैसे लाइक आपका जो ना वाटरफॉल्स का जो ना इंडिया वर्ल्ड का जो एक तो हम ऐसे लिख के दे देगा आपको तो वहां मिल जाएगा हाँ एंड मिजो जिरलाइक पाउल ये जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट केप इन मिजोरम ये सिर्फ विद इन द मिजोरम बोला जा रहा है ओके तो ये आपका मिजो जिरलाइक पाउल करके है जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट केप है मिजोरम में एंड क्वांगसेन सेरा पुक करके जो केप ना अगर वहां जाते तो वो जो आपका सेकेंड लॉन्गेस्ट केप इन मिजोरम है ओके एंड इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट केप इन योर मिजोरम ओनली विद इन द मिजोरम okay like no biggest cave is pugsing cave in mizoram okay so like second longest cave jo aapka kwangsera puk hai na so biggest cave jo aapka pugsing cave hai mizoram mein ye sab aapka within the mizoram hai don't compare with the india uske baad like mizoram ka na abhi mizoram okay ye mizoram hai na west side mein kya hai mizoram ka bangladesh uske baad jaise north west side mein na thoda usme aapko dekhne milne se tripura milega एंड नॉर्थ ईस्ट ना नॉर्थ ईस्ट साइड का में आपको मणिपुर एंड नॉर्थ में आपको आसाम उसके बाद ईस्ट ईस्ट एंड साउथ म्यांमार यहाँ में भी म्यांमार आपको देखने को मिलेगा ओके तो मिजोरम का दैट मीन्स आपका देखो मिजोरम जो दो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसमें म्यांमार एंड बांग्लादेश ये देखो ये बाराक रिवर जो ना कहते हैं मणिपुर से ओरिजिनेट हुआ था ना लेकिन ये जो क्या करेगा मणिपुर से ओरिजिनेट होके बह के ये मिजोरम में भी जाता है ना तो इसलिए इसको बाराक रिवर जो वहां में भी पाया जाता है हाँ उसका थोड़ा बॉर्डर बॉर्डर में होके जाता है इसलिए बाराक रिवर बोला जाता है लेकिन मेन जो आपका जो बाराक रिवर कहाँ पर है बोलने से आप इसको मणिपुर लिखिएगा हाँ एग्जाम में आने से लेकिन ये मिजोरम में भी है लेकिन वो जस्ट बॉर्डर पास करके फिर आसाम से होके निकलते हैं उसके बाद लुवांग जो लॉन्गेस्ट रिवर इन मिजोरम है एंड थियाओ फिर कालादान ना कालादान जो आपका जो म्यांमार में जो कालादान रिवर जो ओरिजिनेट होता है हाँ वहां पर ओरिजिनेट होता है लेकिन ये जो आपका मिजोरम में जाके ये जो थियाओ उसके बाद ट्विचांग रिवर करके है उन लोग से मिलता है वहां पर मिजोरम में ट्विचांग ख्वातलंग तुईपुई करके जो रिवर है हाँ उसको कर्णापुली भी बोला जाता है और ट्वेरियल तट ये सब मिजोरम का रिवर्स का नाम है
और जैसे लाइक त्रिपुरा को ना लैंड ऑफ मिथ्स मतलब मिथ्स एंड लेजेंड्स ना उसका ओल्ड स्टोरीज के बारे में कुछ होता होगा ओके आई डोंट हैव मच आईडिया अबाउट दैट वन लेकिन इसको त्रिपुरा को एक द लैंड ऑफ मिथ्स एंड लेजेंड्स भी बोला जाता है ओके ओल्ड स्टोरी फोल्ड स्टोरी होता होगा वहाँ पर कुछ एरिया जो आपका 10,492 किलोमीटर स्क्वायर है एंड कैपिटल इज योर अगरतला एनिमल जो आपका पायरिस लंगूर फ्राची पिटेकस पायरे फिर बर्ड जो ग्रीन इंपेरियल पिजन थ्री जो अगर जेलिडियम अमनसी फ्लावर जो नाग केसर मेसवा फेरा फ्रूट जो आपका क्वीन पाइन एप्पल है स्टेटहुड जो दे जो 21 जनवरी 1972 को है मणिपुर का भी था ना 21 जनवरी 1972 मणिपुर त्रिपुरा एंड मेघालय का 21 जनवरी 1972 है ओके हम ये बताना भूल गए रिवर्स तो हमको गोमती मानू उसके बाद आपका जो सुमली खोबाई जुरी फैनी ऐसा करके जो रिवर्स वहां पर पाया जाता है हाँ मैं तो आप अरुणाचल प्रदेश का रिवर्स को जैसे भी मत भूलना बाकी याद नहीं होने से भी त्रिपुरा जो आपका ये त्रिपुरा है ना तो सराउंडेड बाय नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ से आपका क्या है बांग्लादेश ये पूरा जगह जो पूरा बांग्लादेश से आपका ये जो गहरा मतलब सराउंडेड है हाँ एंड नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको जो आसाम उसके बाद ईस्ट साइड में मिजोरम ओके साउथ मैक्सिमम पोर्शन आपका जो बांग्लादेश से ही सराउंडेड है त्रिपुरा एंड आसाम एंड मिजोरम संभव कहीं कहीं जगह पर टच करता है नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साइड में और जैसे कि माउंटेन रेंजेस जो आपको त्रिपुरा में जो देखने को मिलेगा वो है साखान जुम्पाई अथारामुरा लोंगतराई हिल्स करके ये सब आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा ओके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो जैसे कि सेपा ही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब है लेकिन ना देखो नेशनल पार्क्स जो ना नेशनल पार्क्स भी हम क्या किया ना नॉर्थ ईस्ट का पूरा दे दिया हाँ लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ना आपको जैसे कि लाइक बहुत सारा होता है तो अगर हम आप लोग चाहते तो हम पूरा दे सकते हैं लेकिन उससे क्या होगा कि लाइक आप लोगों को नुकसान होगा क्योंकि पूरा तो आएगा नहीं ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हम अरुणाचल प्रदेश का एक भी नहीं छोड़ेगा नेशनल पार्क जो हम नॉर्थ ईस्ट का एक भी नहीं छोड़ रहा है लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हम छोड़ दिया हाँ नॉर्थ ईस्ट का एंड इंडिया का लेकिन अरुणाचल प्रदेश का वी विल स्टडी ओके जो क्वेश्चन आता है उसको लाइक विल फोकस आप लोगों को मिल जाएगा हाँ नोट्स जो हम टाइपिंग करने के लिए दे दिया था नेशनल पार्क्स में ना उसका फिर जैसे कि एलिफेंट रिजर्व्स फॉरेस्ट कहाँ पर है टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट अरुणाचल पर कितना है ऐसा क्वेश्चन आता है तो ना तो उसको वो एक नोट्स प्रिंट करने के लिए दे दिया था तो एक बार हम करेक्शन करने का बात ना फिर आपको सेंड कर देगा हाँ मेघालय ना मेघालय को जो स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है इट्स मेनली बिकॉज आपका स्कॉटलैंड एक जगह का नाम है जो लाइक बहुत सुंदर जगह है तो मेघालय इज लाइक समहाउ लाइक सिमिलर विद योर स्कॉटलैंड दैट्स व्हाई इसको स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है एंड एरिया इज योर 22,429 किलोमीटर स्क्वायर एंड कैपिटल इज योर शिलोंग तो लाइक स्टेट्स एंड कैपिटल को मत भूलिएगा स्टेट एनिमल जो क्लॉडेट लियोपार्ड एंड नियोफालिस नेबुलोसा बट जो हिल माइना ग्रेसुला रिलीजियोसा फिर जो व्हाइट टिक मेलिना आर्बोरिया देखो ये सबको प्रोनाउंसिएशन करना भी इतना तकलीफ है ना तो आप ऐसे ही देख लीजिए हाँ लेकिन मेन जो आपका अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल बर्ड ट्री फ्लावर्स इनको आपको जैसे भी जानना है फ्लावर्स जो लेटेस्ट स्लीपर प्रीपेडियोडियाई आपका है उसके बाद स्टेटहुड डे जो आपका 21 जनवरी 1972 तो ये किस किस का है आपका जो वो है ये क्या था मणिपुर उसके बाद त्रिपुरा एंड मेघालय का सेम है 21 जनवरी 1972 आई होप सो लाइक आपको सब याद रहेगा ना इसको उसके बाद हिल जो आपको वहां पर गारो खासी जयंतिया हिल्स आपको मिलेगा ओके एंड सोसाइटी जो ना लाइक यूजली तो हम लोग का पेट्रियकल सोसाइटी होता है तो लाइक इट्स अ वेरी यूनिक सोसाइटी इन योर मेघालय कहते हैं मेट्रिकल सोसाइटी ओके वहां पर और लाइक जैसे कि क्या क्या किले थोड़ा सा फेमस है बोलने से आपका मॉपलंग सेक्रेट फॉरेस्ट कर गया है हाँ मॉपलंग सेक्रेट फॉरेस्ट एक ऐसा फॉरेस्ट है जिसमें आप
जैसे लाइक एंटर करता है ना तो आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि वहां से इवन यू नो लाइक अगर आपने कभी दिन आपने गया होगा या तो किसी ने नहीं किया तो आप जाने से आपको ये लाइक यू हैव यू विल एक्सपीरियंस कि लाइक वहां जाने से ना यू कैन ईट एनीथिंग ओके आप कुछ भी लाइक खाने का कुछ फ्रूट्स होने से आप खा सकता है या तो मतलब वहां से आप कुछ भी मतलब फोटो वोटो किसी कुछ भी कर सकते हैं बट लाइक फ्रॉम दैट फॉरेस्ट इवन लाइक आप ना बाहर जब निकलते हैं इवन एक पत्ता भी आपको ना लेके वापस नहीं जाना होता ओके अगर उन लोगों का कहना है कि अगर आप जो ना एक भी पत्ता लेके जाएगा ना तो उससे क्या होगा आप बीमार हो जाएगा ऐसे उन लोगों का रहना है इसलिए दैट इज सेक्रेट फॉरेस्ट वेयर लाइक नो वन कैन डू एनी काइंड ऑफ द बिजनेस लाइक कोई मिसयूज नहीं कर सकते वो फॉरेस्ट को लाइक इसको बहुत प्रार्थना करके ना एकदम प्रोटेक्टेड करके रखा हुआ है तो दैट इज योर मापलंग सेक्रेट फॉरेस्ट नेम इज योर मापलंग उसके बाद जैसे लाइक टू नेशनल पार्क हाँ वैसे तो नेशनल पार्क दे दिया था हाँ नोट्स में नोक्रेक नेशनल पार्क एंड बालपक्रम नेशनल पार्क यू फाइंड इन योर मेघालय एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नोकालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन लोग का ना जैसे कि लाइक फेस्टिवल्स जो ना तो जैसे कि स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इज लाइक वेरी यूनिक ना तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ना कौन सा फेस्टिवल्स जो कौन सा स्टेट्स में ऐसा फेस्टिवल्स है ना जो फार्मर्स को बढ़ावा देने के लिए एक फेस्टिवल मनाया जाता है तो ये जो आपका मेघालय में जो मनाया जाता है हाँ स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल्स करके जिसमें जो क्या करते हैं कि लाइक वो फेस्टिवल्स में फेस्टिवल्स तो मनाए जाते हैं ना जिस समय को स्ट्रॉबेरी खिलता है ना जिस समय को स्ट्रॉबेरी का फ्रूट्स जब होता है ना तो वहां पर स्ट्रॉबेरी भी देश सारा जो वो क्या करता है बेचता भी है सो लाइक इट्स मोर लाइक यू नो फेस्टिवल्स भी मनाए जा रहे हैं एंड लाइक इससे फार्मर्स को भी लाभ हो रहा है तो ये एक ऐसा फेस्टिवल्स है ओके एंड विच यू विल सी इन योर मेघालय एरिया तो वंगला तो एक ऐसे हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड राइनो खोर करके उनका एक बीच फेस्टिवल होता है हाँ एंड लाइक सतसुख मैंसम बेहतियन खर्म करके ऐसे ऐसे फेस्टिवल है डेंसेस जो आपका नोंग्रेम दोरेगाता पोमेलो लाहो ऐसे ऐसे करके आपका एक डेंसेस होता है हाँ ये पता नहीं ऐसा क्वेश्चन आपका भी देखा नहीं है लेकिन ये स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल्स को थोड़ा फोकस करना चाहता है उसके बाद फिर माउसियन ग्राम जो ना वेट स्पॉट ऑफ द आर्ट है मैक्सिमम 11,871 मिलीमीटर ना मैक्सिमम रेनफॉल इन ईयर ओके एंड लेक जो आपको जैसे वर्ड्स लेक उमियाम लेक आपको मिलेगा पीक जो आपको सिलोंग पीक ना 1,965 मीटर सो पेटनेंग पीक करके भी मिलेगा आपको 1,343 मीटर होगा जैसे कि वाटरफॉल ना वाटरफॉल्स भी आपको जैसे कि एलिफेंट वाटरफॉल नो खलाईखाई वाटरफॉल सब आपको वहां पर देखने को मिलेगा ओके एंड दिस लाइमस्टोन केप ना ये लाइमस्टोन केप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये जो क्या कहते हैं जिसका नाम जो क्या है क्रेमलेथ प्राग केप करके हाँ क्रेमलेथ प्राग केप करके जो एक लाइमस्टोन केप है बिटवीन चेरापूंजी एंड माउसमाई जगह का ना वो है तो लेंथ जो आपको 30,957 मीटर्स अराउंड है हम तो लाइक ये जो आपका जयंत हिल्स में पाया जाता है जो कि आपका लॉन्गेस्ट केप इन मेघालय है ना मेघालय का लॉन्गेस्ट केप है क्या क्या नाम है क्रेमलेथ प्राग केप और ये जो एक लॉन्गेस्ट केप इन मेघालय एज वेल एज इन योर इंडिया इंडिया का भी लॉन्गेस्ट केप कौन सा है क्रेमलेथ प्राग केप जो कि आपका मेघालय पर है एक ये लाइमस्टोन एक लाइमस्टोन केप है ओके सो लाइक वो आपका मेघालय में आपको मिलता है जक्रम जक्रम बोल के एक जगह है हाँ मेघालय का जिसमें आपको हॉट स्प्रिंग्स ऑफ सल्फर वाटर मिलेगा जिसमें एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है डाउकी बोटिंग पॉइंट जो ना वेरी क्लीन वाटर बहुत क्लीन वाटर जो आपका एशिया एंड इंडिया में है हाँ उसके बाद जो लेक जो आपका थर्ड लेस्किन लेक नापाक लेक उसके बाद उमियांग लेक ये भी था ना तो ये साथ में थर्ड लेस्किन लेक नापाक लेक ऐसे करके छोटा मोटा और भी लेक है एंड पिक जो आपका तूरा पिक करके भी है ओके और लाइक मेघालय ना मेघालय का नॉर्थ नॉर्थ एंड ईस्ट साइड में आपका आसाम ना और एंड साउथ एंड वेस्ट साइड में ज्यादातर आपका बांग्लादेश त्रिपुरा एंड लाइक मेघालय तो ज्यादातर आपका बांग्लादेश से लाइक हुआ है रिवर्स जैसे कि दिगारू दिगारू ना कोपिली हाँ ये कोपिली को याद रखना हाँ मिंतदू सोमेश्वरी सिमसंग ये सब रिवर जो आपका मेघालय में पाया जाता है
एंड नेक्स्ट इज योर लाइक आपका जो लिविंग रूट ब्रिज है ना, तो वो जो आपका चेरापूंजी में मिलता है. हाँ, चेरापूंजी में लिविंग रूट ब्रिज है जो कि 3 किलोमीटर लॉन्ग है और लाइक 2400 फीट हाई है. हाँ, और ये एक मैन मेड ब्रिज है. आदमी ने बनाया है एक ब्रिज को जो कि लिविंग रूट का इस्तेमाल करके एक ब्रिज बनाया है जो कि चेरापूंजी पर है. हाँ, और ये 3 किलोमीटर लॉन्ग है एंड 2400 फीट हाई है. इसके बाद मालयनंग विलेज करके है. हाँ, जो कि इंडिया एज वेल एज इंडिया और एशिया ना ये जो क्लीनेस्ट विलेज है और इसको जो क्लीनेस्ट विलेज का लाइक यू नो पोजिशन जो 2013 को दिया गया. ओके, लाइक and next is your Assam. The Assam land of red rivers and blue hills na. Blue hills jo hai Neelachala hills ko bol rahe hain. And red rivers jo aapko hum pehle bataya tha na ki like June ka month mein 3 days ke liye thoda sa pani jo thoda red thoda tan ho jata hai to usko isliye land of red rivers and blue hills bola jata hai. Okay, area jo 78,438 km² hai and capital is your Dispur and statehood date jo aapko 26 January 1950. I hope sir you know well na this one constitutions ka formation hua tha. स्टेट एनिमल जो आपका वन हॉर्न राइनो है, राइनोसेरस यूनिकॉर्निस, वन हॉर्न राइनो. उसके बाद बार्ड जो आपका व्हाइट विंग वुड डक, काइरिना स्कुटुलाता. उसके बाद ट्री जो आपका होलोंग, डिप्टोकार्पस मैक्रोकार्पस. ये जो आपका अरुणाचल का भी ये जो एक ट्री का नाम है, सेम है. और फ्लावर जो ना फॉक्सटेल ऑर्किड, रिनको स्टाइलिस गिगंता है. हाँ, आसाम का फेमस फॉर जैसे कि माजोली वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड के लिए जो ये जो फेमस है. एंड उमानंदा करके एक आइलैंड है जिसको पिकॉक आइलैंड भी बोला जाता है. इट्स मेनली बिकॉज इसका स्ट्रक्चर जो थोड़ा ना पिकॉक का जो जब वो जो ऐसे पंख को फैलाते हैं ना उसके जैसे थोड़ा देखने में होते हैं, इसलिए ये उमानंदा को एक पिकॉक आइलैंड करके ऐसे नाम दे दिया एक ब्रिटिशर्स ने. एंड ये जो एक स्मॉल आइलैंड है कहाँ पर सिचुएटेड थे, ब्रह्मपुत्रा. एंड ये जो एक इम्पोर्टेंट है शिवा टेम्पल एंड पिलग्रिमेज सेंटर के लिए. ओके, उमानंदा आइलैंड जो. और जैसे लाइक इसका रिवर्स जो ना हम जो आपको बताया था ना ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज ना, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो वो आसाम का ना ये ब्रह्मपुत्र ट्रिब्यूटरीज में आ जाता है. हाँ हाँ, वो गिगंता है ना ऋतु शायद गिगंतिया है ना, टी है ना रे तो सा गिगंतिया जो फॉक्सटेल ऑर्किड पर, फॉक्सटेल ऑर्किड को रिन को स्टाइलिस गिगंता नहीं है रे तो सा वही. ये इसमें ना ये ला जगह में अभी तक कंफ्यूजन है ना, अरुणाचल प्रदेश का भी फॉक्सटेल ऑर्किड है ना लेजिस पर है. मैम आप अरुणाचल का कहां में देखा था वो साइट को एक बार भेज देना. नहीं एक्चुअली ना हम एक आप हमको टेक्स्ट कर दो ना एक बार हम तो, आप नंबर तो हाँ नंबर तो है ना आपके पास, तो टेक्स्ट कर दो ना एक बार तो हम भेज देगा आप. हाँ हाँ, फ्लावर तो यही है क्या अरुणाचल का वही क्योंकि ना ये मार्च ये 2021 का मार्च का 21 को अपडेट हुआ है. एक वो है एक न्यूज वो है रिपोर्टर है मनोज शर्मा बोल के, तो हम ब्लॉग में देखा था मतलब न्यूली अपडेटेड हुआ ये जो. हाँ हाँ, फॉक्सटेल ऑर्किड जो शायद ऊपर से मैं ये लोगों में भी शायद हम लोग का फॉक्सटेल ऑर्किड ही है शायद. अच्छा हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं ना तो तब तो इसलिए मैंने उसको आप लोग ना अरुणाचल में एक बार डिस्कस करेगा. हाँ, लेकिन इसको भी एक बार ना लेकिन भी हम एक बार इसको कहीं में अच्छा से रिसर्च करके देखेगा. अभी तक हम कहीं गया ही नहीं ना, तो एक बार पूछताछ कर लेगा हम भी अच्छा से. हाँ, लेकिन फिलहाल तो अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश का फॉक्सटेल ऑर्किड ही मान के चलेगा जो लाइक फ्लावर है ना फॉक्सटेल ऑर्किड. तो ये आप जो पूछ रहा था ना गिगंतिया हुआ के रेतुसा ना, ठीक इसको एक बार देख देगा. हाँ, लेकिन हम गिगंतिया देखा था ना इसलिए गिगंतिया लिख दिया. अगर ऐसा होने से ना अगर फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड हम लोग लेता है बोलने से, अगर जैसे एग्जाम में फॉक्सटेल ऑर्किड लिखा है एंड लाइक लेडीज स्लीपर लिखा है तो फॉक्सटेल ऑर्किड को ही टिक राइट मारने से ज्यादा सही रहेगा. लेकिन अगर फॉक्सटेल ऑर्किड नहीं लिखा है लेडीज स्लीपर लिखा है तो लेडीज स्लीपर को टिक राइट करने से हो जाएगा. लेकिन अगर
अरुणाचल प्रदेश टाइप करने से उसका ब्लॉग आ जाएगा वो रिपोर्टर का ना मार्च का उसका अपडेट जो हाँ ठीक है एक बार हम चेक करके देखें मार्च 21 का ना हाँ मार्च का है हाँ ठीक है उसके बाद जिसने आपको बोला था कि कौन सा वेबसाइट से देखा वो प्लीज एक बार हमको टेक्स्ट करो ना पर्सनली मेरा नंबर तो है ना तो हम भेज देगा आपको फेमस फॉर आपका मजुली वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड जो आपको वहां पर मिलते हैं ओके एंड यहाँ में ना सोल कुची करके एक जगह है हाँ जिसको मैनचेस्टर ऑफ आसाम बोला जाता है क्योंकि वहां पर जो ना फाइनेस्ट सिल्क जो ना मागा एंड पार्ट सिल्क करके ये मतलब इतना ज्यादा ज्यादा पूरा वर्ल्ड इंडिया में फेमस ऐसा नहीं है हाँ लेकिन ये जो आपका वहाँ ये क्या था आसाम एरिया में ये फेमस है मेगा एंड पार्ट सिल्क करके ना तो इसके लिए इसको सोल कुची को मैनचेस्टर ऑफ आसाम बोला जाता है तो अभी आसाम का ना इसको भी देखो हाँ आसाम का ये आसाम है तो आपका क्या है इस साइट में नागालैंड नागालैंड एंड आपका जो क्या है मणिपुर नागालैंड एंड मणिपुर ना वेस्ट साइट में आपका बांग्लादेश मेघालय एंड वेस्ट बंगाल है एंड नॉर्थ साइट में आपका भूटान अरुणाचल प्रदेश एंड साउथ में आपका मिजोरम त्रिपुरा ओके तो लाइक आपका जैसे लाइक बांग्लादेश भूटान ना दो वो इंटरनेशनल बॉर्डर है आसाम में तो ये सबको थोड़ा सा आप लोग ना खुद से ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करो हाँ तो इससे आपको ज्यादा याद रहेगा और मैप देखो बार बार मैप देखो उससे ज्यादा आप लोग को मतलब रिटेन करेगा आपका दिमाग पर ना नेक्स्ट इज योर सिक्किम ना सिक्किम का एरिया जो 7096 किलोमीटर स्क्वायर है कैपिटल जो आपका गैंगटॉक होगा स्टेटहुड डे जो 16 मई 1975 है हाँ सबसे लेट ना जो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन को जब आप देखते हैं तो ना नॉर्थ ईस्ट एरिया साइड को ना तो सबसे लास्ट में जो ज्वाइन किया इंडिया को ना क्योंकि सिक्किम भी पहले एक अलग सा एक कंट्री ऐसा था लेकिन उसको सिक्किम को एड किया गया ना इंडिया में तो लाइक 1975 में हाँ सबसे लास्ट में और बाकी लोग तो आपका वो हो गया था ना कल हम लोग जो पढ़ेगा लाइक अरुणाचल प्रदेश का कि लाइक किस तरह से मतलब अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था ना थोड़ा हिस्ट्री को लेके पढ़ेगा हम लोग अरुणाचल का एंड उसमें आपको थोड़ा पता चल जाएगा एंड 16 मई 1975 स्टेट एनिमल्स जो आपका रेड पांडा एलरस पालजेंस कर गया हाँ स्टेट बर्ड जो ब्लड पीसन Tazinius cryontas, three जो rhododendron, rhododendron niobium, flower जो novel orchid, cymbidium guerinensia. सर थोड़ा सा अभी ना सिर्फ पांच तीन मिनट या तो चार मिनट हाँ ज्यादा नहीं हाँ क्योंकि फिर मिडिल में गायब हो गया था ना ये सब प्रॉब्लम हो गया था स्टेट थ्री जो आपका rhododendron ना फ्लावर जो आपका नोवेल ऑर्किड साइम्बिडियम ग्योर्जिनजी बॉर्डर बाय भूटान कहीं में नीचे में भी लिखा है क्यों हाँ और जो नीचे में हम बता देगा हाँ बॉर्डर कहाँ कहाँ पर है इसके बाद सिक्किम जो एक सिक्किम इज स्मॉलेस्ट स्टेट आफ्टर गोवा गोवा तो सबसे स्मॉल स्टेट है ना इंडिया का लेकिन उसका जो ऊपर बॉटम सेकेंड लिस्ट में जो आता है सिक्किम है हाईएस्ट पीक जो आपका कंचनजंगा जो कि आपका इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है ना वो जो आपका सिक्किम पर है ये जो आपका थर्ड हाईएस्ट माउंटेन वर्ल्ड में है 8586 मीटर उसके बाद सिक्किम जो इज आल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम इन इंडिया कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको मिलेगा नेशनल पार्क एंड इस नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन सिक्किम ये जो एक ना नेशनल पार्क भी है एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है सिक्किम में उसके बाद रुमटेक मोनेस्ट्री करके है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोनेस्ट्री रुमटेक मोनेस्ट्री हाँ वहां पर पाया जाता है एंड देयर इज नाथुला पास करके जो कि आपका सिक्किम एंड चाइना को ज्वाइन करता है ना तो दैट इज योर नाथुला पास
सोंगमो लेक और द चंगू लेक जो आपका हाईएस्ट लेक ऑफ इंडिया है. सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसका 100% ऑर्गेनिक है. ओके, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक. एंड सिक्किम में भी एक हॉट स्प्रिंग, मतलब सिक्किम जगह में भी हॉट स्प्रिंग पाया जाता है जिसमें हाई सल्फर कंटेंट होते हैं और ये जो एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं. ओके, एग्जैक्टली क्या चीज का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है आई डोंट हैव एनी आइडिया ओवर दैट वन, लेकिन इसका एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है. उसमें आपका जैसे जगह का नाम जो पुरचाचू, युमतांग, बोरांग, रालंग, तरामचू, युमे, सामदंग, ये साइड इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है. हाँ, हॉट स्प्रिंग का लाइक ऐसे क्वेश्चन तो हम कभी देखा ही नहीं. लाइक जस्ट ऐसे जस्ट आइडिया आप मतलब देख लीजिए कि हाँ उसमें सिक्किम में हॉट स्प्रिंग भी पाया जाता है ऐसा करके, ताकि अगर आप कभी दिन सिक्किम जाए तो आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए आपको आइडिया लग जाएगा इससे. रिवर जो जैसे कि आपका तिस्ता, रंजीत, रंगपो, ये रिवर को तो याद रखिए क्योंकि तिस्ता, रंजीत, रंगपो ये सब कभी कभी बहुत पूछता है ना, तो इसलिए ये सिक्किम का रिवर को याद रखो. हाँ, जैसे अभी सिक्किम जो ना आपका सिक्किम जो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ना, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, साउथ ईस्ट में भूटान, उसके बाद साउथ वेस्ट ने साउथ में आपका वेस्ट बंगाल एंड वेस्ट साइड में आपका नेपाल है. तो कितना है, चाइना, भूटान, नेपाल, सिक्किम, तीन तीन इंटरनेशनल बॉर्डर से लाइक एरिया से बाउंडेड है. और ठीक है, हम ये गिगंतिया वाला को भी देख लेगा, लेकिन हम ना ये अपडेटेड वाला ही यहाँ लिख के डाला है ना, फ्लावर फॉक्सटेल ऑर्किड का, आसाम का जो रिंको स्टाइलिस गिगंतिया करके, फिर भी एक बार चेक करके देख देगा. हाँ, और मैं ये सब नोट को भेज देगा तो ना. हाँ भेज देगा. सर ने भेजा ना अभी तक आप लोगों को? दे देगा होगा आज तक. तब तो ठीक है, तब तो ना अभी आप लोग का पॉलिटिक क्लास होगा ना. कल हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जो थोड़ा हिस्ट्री सेक्शन देखेगा जिसमें मतलब किस तरह से हम लोग का इंडिया अरुणाचल प्रदेश का जो लाइक डिस्ट्रिक्ट जो क्रिएशन हुआ था, कौन कौन से ईयर में क्रिएशन हुआ था ना, वो सब का बारे में देखेगा. तो अरुणाचल का हम लोग एक दिन दो दिन या तो दो दिन में खत्म कर सकते तो कर देगा, या तो तीन दिन जैसा लग भी सकते. ओके देन.